शिवरात्रि में बेलपत्र का बहुत अधिक महत्व है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से महादेव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में गरसोग में बेलपत्र के लिए मारामारी मची है। उपमंडल में केवल अधिक गर्मी पड़ने वाले क्षेत्रों में ही बेल के पेड़ हैं। ऐसे में शिवरात्रि के लिए लोग बसों और छोटी गाड़ियों से 50 से 60 किलोमीटर का सफर तय करके तत्तापानी के ठोगी के समीप जंगलों में बेलपत्र के लिए पहुंचकर शिव को चढ़ा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने ठोगी के जंगल में शिव को प्रिय बेलपत्र तोड़े। मान्यता है कि देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए बेलपत्र से शिव का पूजन किया जाता है। ऐसे करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही नहीं, ऐसा करने से विपत्ति भी दूर होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र का विशेष महत्व है। शिव की उपासना बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती। बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र कहते हैं। बेलपत्र में तीन पत्तियां एक साथ जुड़ी होती है, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग होता है और इनके बिना शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि जब भी महादेव को बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं तो उस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गलत तरीके से अर्पित किए हुए बेलपत्र शिव को अप्रसन्न भी कर सकते हैं। ये जो बेलपत्र है इसे हम तत्तापानी चढ़ाते हैं और आज यहाँ पे गरसोग में जितने भी शिव मंदिर है और इनको हम यहाँ पे आज चढ़ाते हैं। और बेलपत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे बेलपत्र चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए गरसोग से धर्मवीर गौतम की रिपोर्ट। अपने शहर का करें आकलन, उठाएं नागरिक की आवाज और बताएं क्या आपका धर्मशाला शहर जीवन यापन की दृष्टि से उत्तम है या नहीं, जिसके आधार पर पेश किया जाएगा ईज ऑफ लिविंग एवं नागरिक अनुभव का रिपोर्ट कार्ड। तो आप भी ईज ऑफ लिविंग परसेप्शन सर्वे में भाग लेकर शहर के प्रति अपना विचार साझा करें। तो उठाए अपना फोन और बार कोड को स्कैन करके कहे अपने दिल की बात। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।